न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 खबरों पर। पहली खबर आज है अरुणाचल प्रदेश में LAC के करीब वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने चीन को चेतावनी दी और कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर विदेशों में अवांछित कारोबारियों से मुलाकात करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। भगोड़े अमृतपाल के साथी पपलप्रीत को पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अमृतपाल का सुराग मिलने की संभावना बढ़ गई है। और न्यूयॉर्क की एक चलती मेट्रो में एक युवक सबके सामने ही नहाने लगा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए बात पते की पहली खबर की बात आपसे करेंगे। करीब 3 हफ्तों से फरार चल रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अमृतपाल के सबसे करीबी दोस्त पपलप्रीत सिंह को दबोच लिया है और इस वक्त वो अमृतसर ग्रामीण पुलिस की गिरफ्त में है। पपलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस रविवार रात को ही गिरफ्तार कर चुकी थी। सूत्रों की माने तो पपलप्रीत सिंह कल रात को ही अमृतसर में अपने गांव मदड़ी कला मजीठा पहुंच गया था। एक स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहा था, इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे, जिसमें पपलप्रीत सिंह जो मेन एसोसिएट है अमृतपाल सिंह का, उसको पंजाब पुलिस ने, खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने, कत्थू नंगल एरिया है अमृतसर में, वहां से अरेस्ट किया है। बताया ये जा रहा है कि पपलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। उसके खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसको NSA में डिटेन किया है। इसके अलावा 6 और केसेस इस पे रजिस्टर्ड है। सूत्रों के मुताबिक पपलप्रीत सिंह को पंजाब की बजाय असम की जेल में रखा जाएगा। अमृतपाल से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें असम की जेलों में ही रखा गया है। अमृतपाल को भगाने में पपलप्रीत सिंह का ही हाथ माना जाता है। पुलिस के मुताबिक वो कदम कदम पर अमृतपाल का साथ दे रहा था। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक अमृतपाल के साथ अगर कोई दिखा तो वो पपलप्रीत ही था, और हर बार वो और अमृतपाल पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। अमृतपाल पुलिस से बचकर भाग रहा था, उस दौरान पपलप्रीत के साथ दोनों की सेल्फी भी सामने आई थी। इसके बाद अमृतपाल और पपलप्रीत की एक साथ तस्वीर दिल्ली में दिखाई दी थी, जब दोनों की हलचल CCTV में रिकॉर्ड हुई। बिना पगड़ी पहने अमृतपाल आगे आगे जा रहा था और उसके पीछे बैग टांगे पपलप्रीत आ रहा था। पपलप्रीत सिंह आखिरी बार जालंधर में एक डेरे में देखा गया था, तब वो अकेला था, अमृतपाल सिंह उसके साथ नहीं दिखाई दिया था। यानी पपलप्रीत सिंह ही वो शख्स है जो अमृतपाल का हर राज जानता है, क्योंकि जब से अमृतपाल फरार हुआ है वही लगातार उसके साथ था, उसका राजदार था। और अमृतपाल कहां कहां गया, कहां रुका, किसने उसको पनाह दी, किन किन लोगों से उसने बात की, अमृतपाल कहां भागना चाहता था, वो कहां छिपा हो सकता है, उसकी अगली योजना क्या है, इन सभी सवालों के जवाब पपलप्रीत ही दे सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पपलप्रीत सिंह पंजाब पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। शुरुआती जांच में पपलप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि अमृतपाल इस वक्त कहां है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पपलप्रीत सिंह भले ही 1000 झूठ बोल ले, पुलिस को अमृतपाल के ठिकाने को लेकर कई अहम जानकारी हाथ लग चुकी है। अब जबकि पपलप्रीत सिंह पकड़ा गया है, पंजाब के DGP ने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कहा है, साथ ही उन्होंने धार्मिक जगहों के दुरुपयोग नहीं होने देने की भी अपील की है और कहा कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान के ISI के नापाक इरादों को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब में जो हार्ड अर्न्ड पीस है, हार्मनी है, इसे सारे पंजाबी पंजाब पुलिस डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। जो भी पाकिस्तान की ISI एजेंसी के नापाक इरादे हैं, उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। पपलप्रीत सिंह अमृतसर में गिरफ्तार हुआ और उसके अगले दिन ही DGP अमृतसर पहुंच गए। गोल्डन टेंपल में मत्था टेकने के बाद DGP ने अमृतपाल के बिना नाम लिए सरेंडर की अपील की। पुलिस एक लीगल सिस्टम में फंक्शन करती है, तो अगर किसी के खिलाफ कोई चार्जेस हैं, वो अपने आप को लीगल प्रोसेस में सम्मिलित करें और जो लॉ के मुताबिक जो उनके राइट्स हैं, जो उनके डिफेंसेस हैं, वो उन्हें मिलेंगे। दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट आसमान में 4 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वापस दिल्ली लौट आई और इसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI111 ने सुबह 6 बजे नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करते ही एक यात्री ने विमान की 2 एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। दोनों एयर होस्टेस ने बिगड़ैल यात्री को समझाने
और उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी यात्री दोनों एयर होस्टेस के बाल खींचने लगा और उन पर मुक्के बरसाने लगा। एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि इस हाथापाई में दोनों एयर होस्टेस को चोटें भी आई हैं। हालात बिगड़ते देख पायलट ने प्लेन को लंदन ले जाने की बजाय वापस दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त एयर इंडिया का विमान पाकिस्तान के पेशावर के आसपास उड़ान भर रहा था। करीब 4 घंटे की उड़ान के बाद सुबह 10:30 बजे एयर इंडिया का ये विमान वापस दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतर गया। प्लेन के लैंड होते ही सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI111 को लंदन जाने के लिए रिशेड्यूल किया गया। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे बात पते की में। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है और उसकी तलाश में यूपी पुलिस ने प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर छापे मारे। छापेमारी कछारी इलाके के कई गांवों में की गई। छापेमारी के दौरान महिला पुलिस भी मौजूद थी। इस दौरान शाइस्ता के करीबी रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया। शाइस्ता की मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद शाइस्ता इस इलाके में छिपी थी। एक तरफ यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने शाइस्ता को झटका दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शाइस्ता को पार्टी प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी नहीं बनाएगी। अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहाँ मेयर का टिकट देगी। वहीं यूपी पुलिस जल्दी बीएसपी के 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स से भी पूछताछ करने वाली है। इन स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के नाम अतीक के घर मिले रजिस्टर में लिखे हुए थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी के ऑफिस में बम धमाका हुआ है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में बम धमाका हुआ है। टीएमसी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। बिहार हिंसा पर ओवैसी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये नीतीश सरकार की नाकामी है। उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। नगर निकाय चुनाव पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने साफ कहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता समेत उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के सुपर्णखा वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। इंदौर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस भेजा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर काम करते हुए देश को कमजोर कर रहे हैं। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। बताया जा रहा है कि रविवार शाम जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए और इलाके में हिंसा फैल गई। इसके बाद उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसाए जाने लगे। इस बीच शरारती तत्वों ने कुछ दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान मौके पर पहुंचे और हालात नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी। देखिए कि किस तरह अभी भी पथराव कर रहे हैं। देखिए पुलिस जो है बल प्रयोग करके उनको घर भेजने का प्रयास करेगी। इस दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कुछ पुलिस अधिकारियों को चोट भी पहुंची। इस बीच एसएसपी समेत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर तुरंत पहुंचे और जमशेदपुर का शास्त्री नगर इलाका देखते ही देखते पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने काफी देर तक लोगों को समझा बुझाकर घर भेजने की कोशिश की। जब हालात नहीं सुधरे तो उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों गुटों के बीच तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इलाके में शांति बनी रहे इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इस बीच जो लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें सुरक्षा बलों के जवान अंदर जाने की हिदायत देते दिखे। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में आंशिक रूप से मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और उपद्रव करने वालों की तलाश की जा रही है।
Whosoever is involved in this incident, we will definitely take the strongest action possible. And there are five teams who are looking for the miscreants, and we are taking all actions. इलाके में धारा 144 लागू है, इसलिए लोगों को घरों में ही रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। शास्त्री नगर स्थित जितने भी लोग हैं, कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 144 धारा लग चुकी है, पकड़े जाने पर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने के साथ साथ किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। प्रशासन की कोशिशों के बाद जमशेदपुर में फिलहाल शांति का माहौल है, लेकिन रविवार रात हुई हिंसा के निशान पूरे इलाके में जहां तहां बिखरे दिखाई दिए। जिस इलाके में हिंसा हुई वहां टूटी फूटी गाड़ियां और सड़कों पर पड़े पत्थर बता रहे हैं कि लोगों के सिर पर किस तरह हिंसा का जुनून सवार था। ये शास्त्री नगर का जो ये ब्लॉक है, इसी में जो लोग थे अपना इस भीड़ का फायदा उठाकर किस तरह पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं कि पथराव किया गया था, कई घरों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं और गाड़ियों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। हर चौक चौराहे और नाकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि अमन चैन बिगाड़ने की कोई साजिश कामयाब न हो। देखिए कि रैफ के जवान अभी भी लगातार है, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से घर से बिना काम के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 4 से 5 की संख्या में लोग एकजुट होकर खड़े रह रहे हैं, उनका डांट डपट कर उनको हटाया जा रहा है वहां से। हरियाणा में सोनीपत के सांदल कला गांव में देर रात एक धार्मिक स्थल में घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों पर हमला किया। इस बीच कुछ हमलावरों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो हाथों में लाठी और डंडे लेकर गांव की गलियों में घूमते नजर आ रहे थे। ये वीडियो स्थानीय लोगों ने ही बनाया जिसमें हमलावर बेखौफ अंदाज में नजर आ रहे थे। आरोप है कि युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हमलावर धमकी देकर भाग खड़े हुए। हमले में धर्मस्थल को नुकसान पहुंचा। आरोप है कि कुछ युवक आए और यहां पर जो है वो तोड़फोड़ जो है वो की गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमला करने वाले युवक गांव के ही थे जिन्होंने अंदर आते ही लाठी डंडों से हमला बोलना शुरू कर दिया। सीधा अटैक कराया। कौन थे? गांव के थे बच्चे, दारू वारू पी के। अच्छा, फिर सारा सिस्टम कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। धर्मस्थल पर हुए हमले में कई लोग घायल हुए जिनमें से कुछ को सोनीपत में भर्ती कराया गया। धर्मस्थल पर हमले की खबर मिलने के बाद सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। फिलहाल पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौकस कर दिया गया है और 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। गांव के दौरे पर पहुंचे सोनीपत के पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और पुलिस ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटेगी। धर्म को मामले को लेकर बिना बात के कहीं पे किसी के अगर घुस रहा है, किसी के धर्म स्थल पे घुस रहा है, उसके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी, ये सबको मैं संदेश दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पीड़ित जब तक सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, कुछ लड़कों को डिटेन कर उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि गांव का जो माहौल खराब ना हो। और फिलहाल जो स्थिति है शांतिपूर्ण तरीके से है और गांव में तमाम जो पुलिस फोर्स है उन्हें रखा गया है ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। उधर छत्तीसगढ़ में भी तनाव है। शनिवार को बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो गुटों के बीच झड़प हुई और एक युवक की हत्या कर दी गई थी। विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिन के बंद का आह्वान किया है जिसका असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिला। बेमेतरा में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, जहां दुकानें खुली हुई थी वहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शटर गिरा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद दुकानें कहीं प्यार से तो कहीं जबरदस्ती बंद कराई गई। हम समर्थन सबसे मांग रहे हैं और समर्थन हमको स्वस्फूर्त मिल रहा है सबका, क्योंकि जो घटना घटी है उससे सभी आंदोलित हैं। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बंद के दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ की। सिर्फ रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों में भी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। इस बंद में वीएसपी को बीजेपी का भी समर्थन मिला। हालांकि दुर्ग जिले में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां सुबह 11 बजे से ही बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने बाजारों में घूम घूम कर खुली हुई दुकानों को बंद कराया। Oh!
कुछ लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ लोग दुकान खोल के रखे हैं, उनको हमने जाकर के समझाइश दी और दुकान को बंद करवाया। इसी तरह बिलासपुर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वीएसपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली भी निकाली। वहीं राजनाथ गांव में भी दुकानें बंद दिखाई दी। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ता दुकानें बंद कराने के लिए शहर में मोटरसाइकिल से निकले। दरअसल ये पूरा मामला दो स्कूली बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ, जो बढ़कर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। शनिवार को बेमेतरा जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर बिरनपुर गांव में हुई झड़प में 23 साल के एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। गांव में जब पुलिस पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया, जिसकी वजह से एक एएसआई सहित पुलिस के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने और माहौल बिगाड़ने के लिए गांव में आगजनी भी की। घरों में घुसकर आग लगाने की कोशिश हुई। एक गाड़ी को भी फूंक दिया गया। कुछ और लड़के जो है यहाँ पे पैरा में आग लगा दिए और लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की है। जब उनको गाड़ी में भी आग लगाया है और 2-3 बार उनको रोकने के बावजूद अलग अलग रास्तों से जाकर दूसरे पक्ष के घर पे हमला करने की प्रयास किए हैं। बिरनपुर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 5 जिलों में 800 जवानों की तैनाती की गई है। गांव से 10 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर दी है। सुबह बच्चों के आपस में विवाद और साइकिल में गिरने के से शुरुआत हुई थी और उसको लेकर गांव में दो पक्ष में विवाद हुआ था और चौराहे पे ये हल बैठे थे कि इसको हल किया जाए और क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ करके। बच्चों शुरुआत हुई और बड़े तक पहुंची। बेमेतरा में फिलहाल हालात सामान्य है। हिंसा में शामिल 11 लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 9 को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया गया था। आज बेमेतरा के बिरनपुर गांव में तनाव उस वक्त बढ़ गया जब छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव मृतक युवक के परिवार से मुलाकात करने पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा और उनकी पुलिस से हल्की फुल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश की। इस बीच अरुण साव की कार भीड़ से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अरुण साव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। एक 22 वर्षीय युवा की जिसकी निर्मम हत्या हुई है उसकी लाश जल रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री इफ्तार दावत उड़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल के निर्माण के काम का निरीक्षण किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बन रहे जोजिला टनल के निर्माण के काम का निरीक्षण किया है। गडकरी ने बताया कि अब तक 38% काम पूरा हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में माफिया मुख्तार अंसारी की लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात था। अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। यूपी के बाराबंकी में गैंगस्टर मेहंदी की 9,12,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर पर लोगों को धमकाने, जानलेवा हमला और सरकारी कामों में दखल का आरोप है। बिहार के नालंदा जिले में हिंसा के 10 दिन बीत जाने के बाद अब जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज दोबारा खोलने के निर्देश दिए हैं। शाम 5 बजे तक इलाके की दुकानें भी खुल सकती हैं। आकांक्षा दुबे केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का तबादला हो गया है। इससे पहले आकांक्षा की मां ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह ने चीन की सीमा से लगे किबिथू गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने चीन को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी और अमित शाह ने कहा कि अब भारत की जमीन पर कोई भी कहीं भी कब्जा नहीं कर सकता। चीन को चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा कि यहां भारत के बहादुर जवान तैनात हैं, जिनके रहते कोई भी अब सुई की नोक के बराबर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहाँ पर उपस्थित है। अमित शाह ने सीमा के पास बसे सभी गांव के लोगों को इस बात का भरोसा भी दिया कि भारत सरकार की सभी योजनाएं यहाँ लागू होंगी, सभी को सुविधा मिलेगी और सभी गाँव की सुरक्षा की जाएगी। हर गाँव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी। अमित शाह ने इस दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में भी वहां मौजूद लोगों को बताया। गृहमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि वो खुद वाइब्रेंट विलेज योजना की हर महीने मॉनिटरिंग करेंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां लोगों को बेहतर सुख सुविधा मिले, क्योंकि इन गांवों में पलायन रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
अमित शाह ने इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के किविथू गांव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो वहां रहने आएंगे। मैंने यहां उतरते ही मेरे मित्र प्रेमा खांडू को कहा कि प्रेमा जी आप यहां एक घर ले दीजिए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब यहां पर रहने के लिए आ जाऊं, ऐसा एक घर लेकर रख दो। इस मौके पर गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के मुकुट का मणि बताया। कश्मीर से कन्याकुमारी या द्वारिका से लेकर कामाख्या तक इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि अपनी पोती को बताएंगे कि वो भारत के पहले गांव से होकर आए हैं, क्योंकि अरुणाचल के इसी गांव से भारत की सीमा की शुरुआत होती है। अमित शाह ने भरोसा दिया कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सरकार का सबसे पहला मकसद वहां के लोगों को रोजगार देना और उनका पलायन रोकना होगा। और इसके लिए अमित शाह ने इस योजना के जरिए होने वाले लाभ के बारे में भी लोगों को बताया और दावा किया कि आने वाले 3 सालों के अंदर वहां हर घर में पानी और बिजली की कमी नहीं होगी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि इन गांव में सस्ती दवाइयां मिलेंगी, मुफ्त चावल भी पहुंचाया जाएगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। अमित शाह ने यह भी बताया कि योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही स्थानीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण भी किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उनका पलायन रोकना चाहती है, जिससे सीमा सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद मिल सके। इस योजना के तहत व्यापक विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का विकास होगा। साथ ही केंद्र शासित लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2,967 गांवों का विकास होगा। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव, हिमाचल प्रदेश के 75 गांव शामिल हैं। लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 गांव को भी शामिल किया गया है। इन गांवों में रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा को भी विकसित किया जाएगा। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे से चीन बौखला गया। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का पुरजोर विरोध किया गया और चीन ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने दावा किया कि भारतीय मंत्री जहां गए हैं वो जंगनान चीन का क्षेत्र है। ये यात्रा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है और सीमा की स्थिति की शांति के लिए अनुकूल नहीं है। चीन इसका दृढ़ता से विरोध करता है और इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलते हुए दावा किया था कि ये इलाके दक्षिण तिब्बत में है, जिसके बाद इसका पुरजोर विरोध करते हुए भारत ने इसे अपना अभिन्न अंग बताया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसा किया हो। इससे पहले 2017 में 6 जगहों के और 2021 में 15 जगहों के नाम चीन बदल चुका है। इस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के अनडिजायरेबल यानी अवांछित कारोबारियों से रिश्ते हैं। जिनसे मिलने वो गांधी परिवार विदेश यात्रा तक पर जाता है। एक निजी चैनल से बातचीत में आजाद ने कहा कि मैं इसके 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां विदेश तक जाकर वो ऐसे कारोबारियों से मिले हैं। दरअसल राहुल ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट में अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ के बेनामी पैसे पर सवाल किया था। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें अडानी के साथ कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं का भी जिक्र था। इस फोटो में गुलाम नबी आजाद का नाम भी था। इस ट्वीट से गुलाम नबी आजाद भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशी कारोबारियों से रिश्ते रखने का आरोप लगा दिया। आजाद के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी राहुल को घेर लिया। बीजेपी ने मांग की कि राहुल उन कारोबारियों के नाम का खुलासा करें जिनसे वो विदेश में मिलते हैं। ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है।
कांग्रेस ने विदेशी कारोबारियों से राहुल के रिश्तों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलाम नबी आजाद पर पलटवार जरूर किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी के इशारों पर बोल रहे हैं और बीजेपी अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है ध्यान हटाने के लिए जो पहले कांग्रेस में थे। थोड़े दिन पहले महाराज भी आए थे, अब आजाद आ रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ राग दरबारी में सुना रहे हैं। तो ये राग दरबारी आप सुनिए, ये मनोरंजन अच्छा होता है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। 8 साल से आपकी सरकार है, आपके पास सारी एजेंसीज हैं और आप ये पता नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी किसन डिजायरेबल बिजनेसमैन से मिल रहे हैं। कानपुर में लग्जरी बस के पलटने से कई लोग घायल हुए। कानपुर में तेज रफ्तार लग्जरी बस हादसे का शिकार हो गई। टायर फटने के बाद बस पलट गई थी। हादसे में घायल 6 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रोडवेज की बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कानपुर में बाजार में बांस की बनी दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। यूपी के औरैया में सड़क पर खड़े ट्रक के जलने का वीडियो सामने आया है। अचानक लगी आग से पूरा ट्रक खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवक की हत्या का मामला बढ़ता जा रहा है। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने दूसरे समुदाय के कथित आरोपियों के घरों में जमकर तोड़फोड़ की है। EMI पर मकान, गाड़ी, टीवी और मोबाइल जैसी चीजें तो ज्यादातर लोगों ने ली होंगी, लेकिन क्या आपने कभी EMI पर आम खरीदा है? नहीं खरीदा तो अब आप ये आम EMI पर खरीद सकते हैं। EMI पर आम बेचने की स्कीम पुणे के एक व्यापारी गौरव सनस ने शुरू की है। जानकारी के मुताबिक अपने बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर अल्फांसो या हापुस आम बाजार में 800 से 1300 रुपए दर्जन के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में ये आम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उस पर महंगाई का बोझ भी ना बढ़े, इसके लिए गौरव सनस ने EMI पर अल्फांसो आम की बिक्री शुरू की है। गौरव का कहना है कि लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आम खरीदकर उसे EMI में बदल सकते हैं। गौरव के मुताबिक अल्फांसो आम के एक बॉक्स की कीमत 4,000 रुपए के करीब होती है और ग्राहक चाहे तो अपनी सुविधा के मुताबिक इस रकम का भुगतान 3 से 18 EMI में कर सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि कोविड की वजह से बीते कुछ वर्षों में अल्फांसो आम की बिक्री में काफी गिरावट आई थी और यही वजह है कि पुणे के आम कारोबारी अब बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसी स्कीम लेकर आए हैं। अमेरिका और ताइवान की दोस्ती से बौखलाए चीन ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की समुद्री सीमा के पास विमानवाहक युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात करने के बाद चीन ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। पिछले कई घंटों से जारी इस मिलिट्री ड्रिल को चीन ने ज्वाइंट स्क्वाड का नाम दिया है। इस युद्धाभ्यास के तहत चीन ने 71 लड़ाकू विमान और 11 जंगी जहाजों के जरिए ताइवान के समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जबकि समुद्र में ताइवान की घेराबंदी के साथ वहां घुसपैठ भी शुरू कर दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 39 फाइटर जेट्स ने उनके देश के आसपास उड़ान भरने के साथ साथ एयर डिफेंस जोन में भी घुसपैठ की। चीनी सेना की 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल आज खत्म हो जाएगी, लेकिन चीन ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्धाभ्यास के पहले दिन ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने समुद्र और आसमान से हमले की प्रैक्टिस की थी, वहीं दूसरे दिन जमीनी हमलों का अभ्यास भी किया गया। हालांकि ये पहली बार है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर ताइवान पर हमले की जगहों को भी सार्वजनिक कर दिया। यही नहीं, चीन ने उन हथियारों के बारे में भी बताया जिन्हें ताइवान पर संभावित हमले के लिए तैनात किया गया है। इनमें शामिल है लंबी दूरी तक मार करने वाला मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम PHL-191, 8300 किलोमीटर तक मिसाइल को तबाह करने वाला सिस्टम 052C डिस्ट्रॉयर, नौसेना का मिसाइल वॉरशिप 054A फ्रिगेट, तटीय इलाकों की निगरानी के लिए टाइप 22 मिसाइल बोट, चीनी वायुसेना की न्यूक्लियर ब्रिगेड का हिस्सा H-6 के बॉम्बर विमान। हालांकि चीन के मुकाबले के लिए ताइवान भी कमर कस चुका है। उसने अपने मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म को एक्टिव कर दिया है, जबकि अपनी वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा है। चीन ताइवान की भिड़ंत होती है और ताइवान पर चीन कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। वो इस अहम समुद्री व्यापारी मार्ग को बाधित करने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन इसका बड़ा खामियाजा सुपर पावर अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है।
अगर चीन ताइवान पर काबिज हो गया तो गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस खतरे में पड़ जाएंगे। यही वजह है कि चीन की मिलिट्री ड्रिल करते ही अमेरिका की बोहें तन गई। अमेरिका में न सिर्फ ताइवान की सेना को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया बल्कि ये भी कहा कि चीन के हर कदम पर उसकी पैनी नजर है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने उल्टे अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेरिका ने 1979 में ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए थे। यही नहीं, उसने चीन की वन चाइना पॉलिसी का भी समर्थन किया, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अपनी नीति कभी भी स्पष्ट नहीं की। उल्टे अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे चीन और अमेरिका के रिश्तों में तलखी आ गई। अगस्त 2022 में अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से तो चीन बुरी तरह बौखला उठा था और एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी खुली चुनौती दी। लेकिन हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी यात्रा ने चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। साई इंग वेन के अमेरिका जाने के बाद चीन इस कदर बेचैन हुआ कि उसने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोल दिया तो अमेरिका उसकी मदद कैसे करेगा? क्या यूक्रेन युद्ध की तरह वो ताइवान को सिर्फ हथियार देगा या फिर सीधे जंग के मैदान में कूदने की हिम्मत दिखाएगा? मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन हमेशा से ताइवान के पक्ष में चीन से लोहा लेने की हुंकार भरते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो ताइवान के लिए ड्रैगन से दो दो हाथ भी करेंगे। All the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It'll dislocate the... लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि वो चीन से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका की नौसेना चीन के मुकाबले कमजोर पड़ चुकी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के पास 340 जंगी जहाज हैं, जबकि अमेरिका के पास 300 जंगी जहाज। यही नहीं, चीन अगले दो साल में अपनी नेवल फ्लीट को 400 जंगी जहाजों के साथ और ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं अमेरिका का लक्ष्य 350 जंगी जहाजों का बड़ा बेड़ा तैयार करने का है। ऐसे में अमेरिका समुद्र में घिरे ताइवान को चीन से कैसे बचाएगा, इस पर संशय है। 400 यात्रियों से भरी एक नाव लीबिया और माल्टा के बीच मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में भटक रही है। समुद्र में निगरानी और रेस्क्यू से जुड़े संगठन सी वॉच इंटरनेशनल ने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। सी वॉच इंटरनेशनल का कहना है कि 400 यात्रियों से भरी ये नाव किसी भी वक्त समुद्र में डूब सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रवासियों से भरी ये नाव लीबिया के तोब्रुक से रवाना हुई थी, लेकिन बीच समुद्र में नाव का ईंधन खत्म हो गया, जिसके बाद वो समुद्र में भटक रही है। जानकारी के मुताबिक ईंधन खत्म होने के बाद नाव का कैप्टन छोटी बोट की मदद से वहां से भाग निकला। भूमध्य सागर में संकटग्रस्त जहाजों और नावों पर नजर रखने वाले संगठन अलार्म फोन का कहना है कि समुद्र में फंसी नाव पर मौजूद लोगों ने कॉल कर मदद की गुहार लगाई है। अलार्म फोन संगठन का यह भी कहना है कि नाव के डेक पर पानी भर रहा है और वो एक ओर झुकने लगी है। ऐसे में अगर जल्द ही लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो 400 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवाद थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने नेताओं की डिग्री दिखाओ मुहिम शुरू की तो शरद पवार ने इस पर नाराजगी जताई। बेवजह का मुद्दा बताते हुए बेरोजगारी, सांप्रदायिक तनाव और फसल बर्बादी के मुद्दों को उठाने को कहा। शरद पवार के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया तो उद्धव गुट के संजय राउत ने पीएम के दावे पर सवाल उठाए। डिग्री तो बहाना है, असल में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को छिपाना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी विश्वविद्यालय में गया नहीं हूँ। अगर नहीं गए तो जो डिग्री देश के गृह मंत्री आपके नाम के दिखाते हैं, एमए विद एंटायर पॉलिटिक्स, इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो डिग्री कहाँ से आई? लेकिन AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने मुहिम का समर्थन करते हुए इंग्लैंड से हासिल अपनी वकालत की डिग्री दिखाई। मुझे हमारे खून पसीने की कमाई है। इसके बाद पीएम की डिग्री के सवाल पर ओवैसी ने तंज कसा। पीएम को भी दिखाना चाहिए। नहीं, पीएम साहब तो फोटो ले रहे हैं, शेयर की शेयर दिखाई नहीं।
कल आतिशी ने अपनी डीयू और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रियां दिखाई थी। जॉर्जिया में विपक्ष ने यूरोप के समर्थन में एक रैली निकाली। जॉर्जिया में विपक्ष ने यूरोप के समर्थन में रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा राष्ट्रपति पर रूस को समर्थन देने का आरोप लगाया है। थाईलैंड के चियांग माई शहर में पराली जलाने की वजह से वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ईस्टर के मौके पर अंडे खोजने के खेल का आयोजन किया गया। इस खेल में उबले हुए सख्त अंडों को पानी पर रखा गया था। इसे ढूंढने के लिए स्कूबा डाइवर्स समुद्र की सतह तक पहुंचे थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चलती मेट्रो के अंदर एक युवक सबके सामने नहाने लगा और हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए, जिसमें एक लड़का मेट्रो के अंदर बैठा दिखा और उसके सामने एक बड़ा सा ट्रॉली बैग रखा था। अचानक वो अपनी जगह से उठा और सबके सामने ही कपड़े उतारने लगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो न्यूयॉर्क मेट्रो का है। ये लड़का जब ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था तब उसके आसपास कई लोग मौजूद थे। इसके बाद इस युवक ने अपने सामने रखा ट्रॉली बैग खोला जिसमें एक छोटे से कैन में पानी भरा था। लड़के ने ट्रॉली बैग को बाथटब की तरह इस्तेमाल किया और बैग में उस कैन से पानी डाला। पानी डालने के बाद ये शख्स बैग के अंदर खड़ा हो गया और स्पॉन्ज की मदद से शरीर पर पानी डालने लगा। इसकी हरकतें यही नहीं थमी। इसके बाद इसने शरीर पर साबुन लगाया और फिर स्पॉन्ज की मदद से खुद पर पानी डालता दिखाई दिया। इस युवक की हरकतें देख आसपास बैठी महिलाएं उठकर दूसरी ओर चली गईं। लेकिन ये हरकतें जारी रहीं और फिर इस युवक ने बैग से तौलिया निकालकर शरीर पोंछा, जिसके बाद इत्मीनान से कपड़े पहने और अपने ट्रॉली बैग के साथ चलता बना। बताया जा रहा है कि ये युवक एक इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पर प्रिंस नाम से इसका अकाउंट है। कोरोना का खतरा देश में एक बार फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए देश भर के सभी अस्पतालों में इसकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद देश भर के अस्पतालों में 2 दिन की मॉक ड्रिल भी शुरू की गई, जिसकी जांच के लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। मनसुख मांडविया ने इस दौरान खुद मॉक ड्रिल की निगरानी की और अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही ना हो इसकी जांच के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचे मनसुख मांडविया ने वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम से भी बात की। कोरोना के समय सबसे जरूरी ऑक्सीजन को लेकर अस्पताल में क्या तैयारियां की गई थी, इसकी जांच के लिए मनसुख मांडविया अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट को देखने भी पहुंचे और पूरे प्लांट का निरीक्षण किया। इससे पहले कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें राज्यों को कोरोना की तैयारियों को परखने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद देश भर के अस्पतालों में 2 दिन की ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसमें अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों का टेस्ट किया जा रहा है। 10 और 11 अप्रैल की इस मॉक ड्रिल के जरिए इस बात को परखा जा रहा है कि कोरोना की तैयारियों को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर समेत जरूरी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। हरियाणा के झज्जर में एम्स अस्पताल में भी मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना की तैयारियों की जांच की गई। ये जो मॉक ड्रिल हुआ है, ये बेसिकली एनसीआई कितना प्रिपेयर है इस इमरजेंसी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, उसके लिए किया गया है। कोशिश है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में जो कमियां मिलेंगी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़े और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कोरोना की तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज से देश भर में 2 दिन की मॉक ड्रिल शुरू हो गई। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में भी कोरोना की तैयारियों की जांच मॉक ड्रिल के जरिए की गई। इस दौरान डमी पेशेंट को एम्बुलेंस से लाइफ सपोर्ट के जरिए आईसीयू तक पहुंचाया गया और ऑक्सीजन प्लांट की जांच भी की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार हमने आज मॉक ड्रिल की है और हमारी सभी व्यवस्थाएं चौक चौराहे। पटना के IGIMS अस्पताल में भी कोरोना की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई। उधर हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना के हालात से निपटने के लिए देश भर में अब सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर से जरूरी कर दिया है। अस्पतालों में जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 5,880 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 35,199 पहुंच गई है। कोरोना की वजह से एक दिन के भीतर देश भर में 12 लोगों की जान गई है। इसमें कोरोना से 4 मौतें दिल्ली में और 4 मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, जबकि राजस्थान में 1, महाराष्ट्र में 1, जम्मू कश्मीर में 1 और गुजरात में कोरोना से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं देश भर में 3,481 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
पाकिस्तान में एक बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। शहबाज शरीफ की सरकार ने विधानसभा चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिल पेश कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कुछ दिनों पहले फैसला सुनाया था कि 14 मई को पंजाब के प्रांतीय चुनाव कराए जाएं, जिसे कुछ दिनों पहले इमरान खान ने भंग करवा दिया था। लेकिन शुरू से ही शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही थी, जबकि सबको चौंकाते हुए सरकार ने 14 मई को चुनाव न कराने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक विधानसभा और सीनेट के चुनाव 1 साथ अक्टूबर में कराए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान का संविधान कहता है कि विधानसभा भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान को किनारे पर रखते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने शहबाज शरीफ की सरकार को आड़े हाथों लिया। दरअसल पाकिस्तान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड मुहैया कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद शहबाज सरकार ने सीनेट बुलाई और उसके बाद इस फैसले के ऊपर बिल ला दिया, जिसमें चुनाव आयोग को 2100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन शुरू से ही आर्थिक तंगी का रोना रो रही शहबाज शरीफ सरकार फंड लाती कहां से, लिहाजा उसने एक तीर से कई निशाने साधे। पाकिस्तान की सरकार ने फंड को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए ताकि खजाने पर बोझ न बढ़े, जबकि इसी को बहाना बनाकर अक्टूबर में 1 साथ चुनाव कराने का बिल भी पेश कर दिया, ताकि इमरान खान की चुनाव कराने की मांग को खारिज कर उन्हें सबक सिखाया जा सके। यही नहीं, सरकार ने इसके जरिए ये इशारा भी कर दिया कि वो न्यायपालिका से भी भिड़ सकती है। मुल्क में इलेक्शन का मुनक्किद होना एक आईनी जिम्मेदारी है जनरल स्पीकर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कौमी और तमाम सवालियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के जेरे एहतमाम कराए जाएं। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है और इंतखाबात को मुनसिफाना, आजादाना और गैर जानबदाना बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने मोर्चा खोल दिया और उसके बिल को गैरकानूनी करार दिया। ये हुकूमत न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तोहीन के मुर्तकिब हुई है, बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस के घूस लेने के मामले पर एक्शन हुआ है। जम्मू श्रीनगर के रामबन में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस के पैसे लेने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्शन लेते हुए एएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से 14 जिलों के किसान प्रभावित हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक करीब 34,000 हेक्टेयर की फसल नष्ट हुई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक खंडहर हो चुके घर पर तेंदुए के 3 शावक मिले हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। 5 बाघों के सड़क पार करने का वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का है। यहाँ जंगल के बीच 5 बाघ हाईवे पार करते दिखे। मध्य प्रदेश के देवास में टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। दमकल की 4 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली में अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई बारिश के बाद खुशनुमा मौसम अब खत्म हो चुका है और बढ़ता पारा अभी से लोगों को मई जून की याद दिला रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज और कल दिल्ली में इस साल के 2 सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किए गए। कल यानी रविवार को दिल्ली का तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दिल्ली के पूसा इलाके में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो बीते 10 दिनों में दिल्ली के तापमान में 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का यह कहर थमने वाला नहीं है और अगले 5 दिनों तक हर रोज तापमान में 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अप्रैल को दिल्ली में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।